नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम भले ही चुनाव में कांग्रेस के प्रचार के लिए नहीं आ पाए हों, लेकिन चुनावों के बाद पंडित सुखराम अपने गृह क्षेत्र पहुंच चुके हैं और अभी उनका कुछ महीने यहीं पर रुकने का विचार भी है। लोकसभा चुनाव में अपनी अनुपस्थिति के कारणों को भी पंडित सुखराम ने पत्रकारों के समक्ष रखा। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित सुखराम लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस प्रचार में नहीं जुटे, लेकिन अब अपने गृह क्षेत्र पहुंच चुके हैं। पंडित सुखराम चुनावों के बाद पहली मर्तबा पत्रकारों से रूबरू हुए और लोकसभा चुनाव में अपनी अनुपस्थिति के कारणों को भी पत्रकारों के समक्ष रखा। पंडित सुखराम का कहना है कि उन पर चल रहे मामलों और स्वास्थ्य के चलते वे लोकसभा चुनाव में नहीं आ पाए। वही पंडित सुखराम यह भी मानते हैं कि चुनावों के दौरान उनके यहाँ न होने से ही वे जनता के बीच अपने पुत्र की पकड़ को बेहतर जान पाए हैं। चुनाव में नहीं आ सका मैं, मेरी कुछ मजबूरियां थी। एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और दूसरे मेरे अपील जो थी वो लगी हुई थी, उसके लिए आर्गूमेंट की तैयारी करना दूसरे कई चीज़ों में, तो स्वास्थ्य वो नहीं आ सका मैं। तो मैंने ना कोई अपील इशू की न मैं आया। मैं नहीं चाहता था कि अनिल शर्मा जो है वो एक लाठी के सहारे से चलता रहे, वो स्वतंत्र रूप से लोगों में कहाँ खड़ा हुआ है ये मैं देखना चाहता था। इस खाते मैंने कोई अपील तक नहीं छुपी। पंडित सुखराम ने कहा कि वे आज तक षड्यंत्रों के ही शिकार होते आए हैं, जिसके चलते वो आज अदालतों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के चेहरे जल्द बेनकाब होंगे, जिन्हें जनता भी भली भांति जानती है। एक षड्यंत्र, दो, वैसे तो बहुत षड्यंत्र हुए मगर दो और तीन बड़े बड़े षड्यंत्र हुए। उन षड्यंत्रों की वजह से 12 साल मेरे खिलाफ जो है वो यहाँ केस दर्ज हुए और वो चलते रहे। नहीं तो कोई अपराधी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में ये नहीं कहता कि मेरे मामले के जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। मैं तो यही कोशिश करता कहता कि मेरे मामले जल्दी निपटाओ। तो इस वास्ते इससे साबित होता है कि मैं चाहता था कि ये जो असलियत लोगों के सामने आ जाए, मगर कुछ षड्यंत्रकारियों ने असलियत सामने नहीं आने दी। समय आने पर शायद वो असलियत सामने आ जाए। जिस चीज़ को लोग जानते हों उस चीज़ को मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? वो जो हो गया हो गया, अब उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। वही इस बार कांग्रेस को केंद्र में मिले बहुमत पर खुशी जाहिर करते हुए पंडित सुखराम ने कहा कि आज कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता ने अपना जवाब मतदान के रूप में दे दिया है। यूपी में कांग्रेस 7-8 सीटों से ज्यादा नहीं आई कभी, मगर चुनाव में 21 सीटें ले गई। तो इस बात से ये प्रदर्शित करता है एक बात कि माइनॉरिटी ने, अल्पसंख्यकों ने अपना कांग्रेस के प्रति जो है वो रुख बदला है और वो समर्थन आज कांग्रेस को दे रहे हैं। और मुझको लगता है कि इन्हीं पांच वर्षों में हो सकता है कि कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और देश के लोगों ने इस बात को का एहसास कर लिया है कि कांग्रेस ही इस प्रदेश देश को आगे ले जा सकती है। इस बात से उनको अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और यूपी और बिहार जैसे प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस पार्टी ना होने के बराबर थी, वहाँ पर जो है वो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 3 सीटों पर हुई हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावों के दौरान कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को सही ढंग से जनता के बीच नहीं रख पाई, जिस कारण कांग्रेस को 3 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, केचनल मंडी। इन दिनों प्रदेश भर में फायर सीजन चला हुआ है और ऐसे में वनों को आग से बचाने के लिए विभाग अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा है। आए दिन बढ़ रही वनों में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने ग्रामीण स्तर पर फायर वॉचरों को नियुक्त करने का फैसला लिया है। यह जानकारी वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दी। वनों में होने वाले अग्निकांडों की समीक्षा के लिए बीते रोज बिलासपुर में उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की। विदित है कि अभी आने वाले लगभग 1.5 महीने तक फायर सीजन और शेष है। ऐसे में वन विभाग वनों को जलने से बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। वन विभाग ने वनों को आग से बचाने के लिए लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने का फैसला लिया है।
वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि आने वाले 45 दिनों के लिए जहां आवश्यक होगा वहां स्थानीय ग्रामीणों को फायर वॉचर के रूप में तैनात किया जाएगा और उन्हें आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला हर उपकरण भी मुहैया करवाया जाएगा। एक हम लोगों ने आज फैसला ये किया है कि हमारे DFOs गांव के ही फायर वॉचर्स अगले 45 दिन के लिए इंगेज करेंगे ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ DFO एंड रेंज ऑफिसर्स, ताकि हम उस गांव के ही लोगों को इन्वॉल्व करके, और इसमें हमने छूट दी है कंजर्वेटर DFO एंड रेंज ऑफिसर्स को कि वह अपनी सुविधा अनुसार स्थानीय व्यक्ति को वहां 45 दिन के लिए फायर वॉचर के रूप में गांव में सहयोग करने के लिए और वो उनको समय पर सूचित करने के लिए वो अपना पूरा योगदान करें। यदि आंकड़ों की ओर ध्यान दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष अभी तक 666 वन अग्निकांड के मामले सामने आए हैं। वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि इन घटनाओं में 90% घटनाएं लापरवाही की वजह से हुई हैं। तो हमारे ध्यान में 666 इंसिडेंट्स फायर के हुए हैं, जिसका हमने आज रिव्यू किया। हम पुनः आप लोगों के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि हम सारी प्रिकॉशन और एहतियात लेने के बाद 666 इंसिडेंट्स घट गई हैं। इस 666 इंसिडेंट्स में से 90% घटनाएं जो हैं वो नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस के कारण हुई है और 10% जो घटनाएं हैं वो इंटेंशनल हुई हैं। वन मंत्री ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कर्मचारियों के इस प्रयास में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते विभाग ने फायर वॉचर को तैनात करने का फैसला लिया है। अनुप खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। बीते रोज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जैव विविधता बोर्ड द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को बदलते जलवायु चक्र के प्रति जागरूक करना था, ताकि कृषि में किसानों को हो रहे नुकसान पर रोक लगाई जा सके। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रदेश जैविक विविधता बोर्ड, राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं संशय विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी को लगाकर लोगों को बदलते जलवायु चक्र के प्रति जागरूक किया गया। प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के वैज्ञानिक JP राजा ने बताया कि आज देश की जैव विविधता पर विभिन्न प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं, जिनसे निपटना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आज देश में विदेशी खरपतवार का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राजा ने बताया कि आज विदेशी खरपतवारों में लाल और नीला फूलनु बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जो कृषि योग्य भूमि और स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में यह 7 लाख हेक्टेयर तक फैल चुका है और विभाग इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है। जो हमारी जैव विविधता है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं, तो जो इस साल का जो विषय रखा गया है वो रखा गया है विदेशी खरपतवार, उनका बढ़ता हुआ आतंक। उसमें कुछ एक है, जैसे आपका नीला फुलनू है, लाल फुलनू है, गाजर घास है, तो ये जो खरपतवार हैं ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे प्रदेश में, खासकर हिमाचल प्रदेश में और आपके निचले जितने राज्य हैं उसमें इतनी बढ़ता है। जो आपकी जो स्थानीय प्रजातियां हैं, जो स्थानीय किस्में हैं, आपके स्थानीय घास है, स्थानीय आपके जीव जंतु हैं, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको ये खत्म कर रहे हैं वहां से। ये लगभग हिमाचल में 7 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है जो लाल फ्लू है वो ही, तो इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है वो भी इसमें काफी काम। वैज्ञानिक JP राजा ने लोगों को इसके प्रति जागरूक होने का आह्वान किया है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगाई गई इस प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली राजमा की 100 किस्में, धान की 300 किस्में और प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीज और प्रजातियों को भी प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला।